मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों द्वारा दिन दहाड़े अपराधी घटनाओं को अंजाम दे। विधानसभा चुनाव पूर्व पुलिस के स्मार्ट पुलिसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही। गुरुवार सुबह बेखौफ अपराधियों ने एक पुलिसकर्मी को गोली मार दी, जिसकी इलाज के क्रम में मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि जिले की मदी मणियारी थाना के चौकीदार मोहम्मद जैद ड्यूटी पर जा रहे थे, जिस दौरान अधवारा पुल के समीप घात लगाए सशस्त्र अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी, जिसके बाद घटनास्थल पर भीड़ लग गई। आनंद फानंद में पुलिसकर्मी को गंभीर स्थिति में अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृत पुलिसकर्मी मणियारी थाना क्षेत्र के मुरादपुर के निवासी थे। वहीं पूरे घटनाक्रम पर एएसपी वेस्ट सैयद इमरान मसूद ने बताया कि अज्ञात अपराधियों के द्वारा मणियारी थाना के एक पुलिसकर्मी को गोली मारी है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। मामले की छानबीन की जा रही है। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि इलाके के शराब माफियाओं द्वारा उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि बीते बुधवार की रात एक दबंग शराब माफिया की गिरफ्तारी से बौखलाए उसके गुर्गों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। सबसे रहता था और यही जो है सो पकड़वाता था, इसलिए इसको गोली मारा है, घेर के मारा है महादेव मठ में। दारू माफिया किसी का नाम जानते हैं? दारू माफिया का बहुत है, दामोदर राय है और है बहुत है। अब हम लोग पहले से भी कोई धमकी मिल रहा? हाँ, पहले से धमकी। एक नरेंद्र कुमार प्रभारी थे इससे पहले, जो इसको बहुत टॉर्चर करते थे। इसके पत्नी से भी पूछा जाए, एक आध महीना का मेडिकल लेके घरे छुट्टी डरे उनको रहता था, वो धमकी देते थे कि मार देंगे, मरवा देंगे, तुमको बख्शेंगे नहीं। उन्हीं के द्वारा हत्या किया गया? उन्हीं के द्वारा करवाया गया। घटनाक्रम क्या पकड़वाया है रात थाना में गिरफ्तार है, वो उसी को पकड़वाया है। उसके बाद सारा दारू माफिया यूनाइट का होके इसको मरवा दिया। सुबह मनियारी में एसएचओ का कॉल आया कि उनके एक चौकीदार हैं जो काम करते हैं, उनको किसी ने गोली मार दी है अनवरा पुल पे, जब वो ड्यूटी पे आ रहे थे सुबह पुलिस स्टेशन। उसके बाद उनको यहाँ पे हॉस्पिटल लाया गया और उसके बाद तब वो यहाँ पे आकर के वो उनकी डेथ हो गई। उसके बाद हम उनको पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं, आगे कार्रवाई कर रहे हैं। कितनी गोली लगी है? अभी तो एक सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हो रही है, अभी मालूम पड़ेगा बाद में। क्राइम सीन क्या बताया जा रहा है? क्राइम सीन ये अनवरा पुल है जहाँ से ये आ रहे थे और ये ड्यूटी पे आ रहे सुबह जब इनको हुआ था। इनका कार्य काफी अच्छा थाना में रहा है ऐसा जानने सुनने। हाँ, अभी अभी तो ये बता रहे हैं कि काफी एक्टिवली इन्वॉल्व थे थाने में और काफी जानकार थे, तो ये अभी इस तरह की बात सामने आ रही है। शराब माफियाओं के बारे में बताया जा रहा है अभी। देखिए, बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है, इन्वेस्टिगेशन चलेगी इस पे, हम देखेंगे कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन अभी किसी को कुछ कहना, किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाना अभी ये इस स्टेज पे सही नहीं है। सर, खाकी पे वर्दी पुलिस के लिए कितनी चुनौती है? ये चीज़ तो बहुत हमारे लिए दुख की बात है कि इस तरह का, कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के किसी जो अच्छा ऑफिसर है या जो अच्छा काम कर रहा है, एक्टिवली काम कर रहा है, उस पर इस तरह का हमला करना, ये हम लोग सबके लिए एक बहुत चुनौती की बात है। इसको किस तरह से हम लोग हैंडल करेंगे और बहुत स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन करके इसमें इसको अनुसंधान करेंगे, इसका पता लगाएंगे किसने ऐसा किया है। परिजनों के द्वारा सर शराब माफिया का आरोप लगाया जा रहा है? देखिए भाई, मैं कह रहा हूँ अभी ये इस स्टेज पे कहना अभी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, इसमें मैं थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करके फिर आपको बताऊँगा। और कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है, जब पुलिस पदाधिकारी का ही ये हाल होगा तो आम आदमी सुरक्षित नहीं है। क्या घटना क्या प्रतीत हुई, क्या जानकारी मिली? जानकारी मिली कि घर से निकले ड्यूटी के लिए, रास्ते में इनको घेर के गोली मार दी। कितनी गोली मारा? एक गोली हॉस्पिटल से जानकारी मिली, एक गोली देखे भी नहीं। गोली लगी? गोली नाप के यहाँ पर लगी, हाँ, पीछे से निकली थी। क्या लग रहा है आपको वहाँ से? कितनी दूरी? मेरे पंचायत में वहाँ के मुखिया रंगीले जी। अच्छा, मेरा बगल में पंचायत। करीबी रहे? हाँ, मेरे करीबी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं। पूर्व में किसी से दुश्मनी वगैरह भी थी? दुश्मनी क्योंकि पुलिस में सक्रिय हैं तो नाम ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपराधी का मामला है, अपराधी को पकड़ने में इनकी अहम भूमिका रहती थी, पुलिस को मदद करते थे। रंजीश की बात तो लोग बता पाएंगे, परिवार के लोग बता पाएंगे रंजीश, मगर अपराधियों से इनका हमेशा से ही रहा है। आप क्या मांग करेंगे? आप एक प्रतिनिधि हैं वहाँ के, क्या मांग? इनके परिवार के लिए नौकरी की मांग करेंगे और उचित रख रखाव की मांग करेंगे। क्या कोविड-19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोर्स एडुसर्व आपके लिए लाए हैं मी डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। अपने राज्य में ही रहकर बेहतरीन तैयारी करने के लिए मी डिजिटल से जुड़कर अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करें।
और कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य होने के बाद इसे रेगुलर क्लासरूम में कन्वर्ट कर लें। मी डिजिटल को गूगल प्ले स्टोर से आज ही फ्री डाउनलोड करें। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।